हेलो रीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द लोकल एनास्थेटिक्स तो लोकल एनास्थेटिक्स जो क्लास है उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि उसके मेकेनिजम ऑफ एक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम उसका स्टडी करेंगे डिटेल में उसके एंड साइड इफेक्ट्स साथ में इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे तो टाइटल स्लाइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉपिकल एनास्थेटिक्स क्रीम यहाँ पे देख सकते हैं एज वेल एज उसके इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं तो ये ऐसे मेडिकेशन है कि जो टॉपिकली एज वेल एज इंजेक्शन के थ्रू प्रोशन को देकर एनेस्थेटिक जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस की जाती है तो अलग अलग टॉपिकल क्रीम या फिर ऑइंटमेंट्स अवेलेबल होते हैं इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं उसकी जेल अवेलेबल होती है तो उनके डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो काम करते हैं उसके मेकेजम ऑफ एक्शन एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ दिस मेडिकेशंस तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मर रॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर रॉक्स। आप सभी के सपोर्ट के कारण ही फार्मर रॉक्स ने अपने एक लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मर ऑक्स तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए एंड्रॉयड ऑप और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो सबसे पहले समझिए मीनिंग ऑफ एनास्थेटिक्स तो एनास्थेटिक्स क्या है तो एनेस्थेटिक्स आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस और दे आर ड्रग और ए फार्मास्यूटिकल एजेंट दैट प्रोड्यूस ए कंप्लीट और पार्सियल लॉस ऑफ फीलिंग तो जो हमारे सेंसेशन होते हैं जो हमारी फीलिंग्स होती है कि जब कोई चीज़ हमें टच होती है या फिर जो हमें अलग अलग सेंसेशन होते हैं हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है तो वो हमारे सेंसेशन या फिर जो हमारे फीलिंग्स को पार्सियल या फिर कम्प्लीटली जो है वो लॉस होना और उसके लिए हम जो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं एनेस्थेटिक्स तो वो ऐसे मेडिकेशन से एज वेल एज़ फार्मास्यूटिकल एजेंट है कि जिनको पेशेंट को दिए जाते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी कि जिसके कारण उनकी हम पेनलेस सर्जरी कर सके कि उनको किसी भी तरह का पेन ना हो एंड विदाउट इंड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ पेन और एनी सेंसेशन उनकी अच्छे से हम ट्रीटमेंट कर सके, तो तीन टाइप के होते हैं एनास्थेटिक्स, एक तो जनरल रीजनल एंड लोकल एनास्थेटिक्स तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जनरल एनास्थेटिक्स के बारे में डिटेल में सीखा तो जनरल एनास्थेटिक्स की लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे भी आ जाएगी एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसको देख सकते हैं जनरल एनास्थेटिक्स आज का टॉपिक है स्पेशली लोकल एनास्थेटिक्स के बारे में तो जब पेशेंट को अलग अलग कंडीशंस की समझो कि उसकी सर्जरी करनी है और जरूरत है कि हमें उसकी सेंसेशन को लॉस करवाना है उसको अनकॉन्सियस करना है कि जिससे उसको पता भी ना चले और अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो उसके लिए एनास्थेटिक्स जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं तो वैन पेशेंट अंडर जनरल एनास्थेटिक्स दे लॉस सेंसेशन एंड बिकम अनकॉन्सियस कि जब जनरल एनास्थेटिक्स हम देते तो पेशेंट जो है वो कंप्लीटली अपने सेंसेशन उनके लॉस होते हैं एज वेल एज पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होता है और जनरल एनास्थेटिक्स यूजली इंजेक्शन के थ्रू या फिर इन्हेलेशन से पेशेंट को दिए जाते हैं तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लोकल एनास्थेटिक्स कि जिसको हम शॉर्ट में एल ए एस भी कहते हैं एल फॉर लोकल ए फॉर एनास्थेटिक्स तो लोकल एनास्थेटिक्स इज अ मेडिकेशन दैट कोज एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन विदाउट कोसिंग अ पेशेंट अनकॉन्शियस कि पेशेंट को अनकॉन्सियस किए बिना ही उसके जो पेन सेंसेशंस को एब्सेंट करना तो वो है हमारे ये लोकल एनेस्थेटिक यहाँ पे पेशेंट को अनकॉन्सियस करने की जरूरत नहीं रहती

या फिर कोई स्पेसिफिक लोकेशन को ही हम जो है वो एनास्थिसाइज करते हैं जिसके कारण पेशेंट जो है वो अनकॉन्सियस नहीं होता प्रॉपर कॉन्शियसनेस है उसकी बनी रहती है एज अपोज टू अ जनरल एनास्थेटिक की जहाँ पे पेशेंट जो है वो कंप्लीटली अनकॉन्सियस uh, हो जाता है और उसके सेंसेशन कंप्लीटली लॉस होते हैं जबकि यहाँ पे हम जो डेफिनेशन को फुलफिल होती है कि एनास्थेटिक्स की जो डेफिनेशन कि जो हम पार्शियल सेंसेशन लॉस करने की जो बात करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया में अंदर कि समझो कि कोई से पेशेंट की डेंटल सर्जरी है यहाँ पे समझिए अच्छे से पॉइंट कि समझो कि कोई पेशेंट को डेंटल सर्जरी करवानी है तो यहाँ पे जो है वो लोकल एनास्थेटिक्स का उसको इंजेक्शन दिया जाएगा जिसके कारण जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से हो सके कि विदाउट एनी सेंसेशन कि उसको यहाँ पे सेंसेशन भी नहीं होगे कंप्लीटली हो जाएंगे एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन और इजीली उसकी जो डेंटल सर्जरी है वो हो जाएगी दूसरी तरह से कि जो बैंजो कैन के जो जेल होते हैं जो आपने देखा होगा कई बार कि जो म्यूको कर पेन करके जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है बेनजो गैन का जेल एस पर यूएसपी तो समझो कि आपको यहां पे ऐसे हुए हैं माउथ अल्सर तो माउथ अल्सर जब होते हैं हो और जो जल्दी से हील नहीं होते समझो कि तीन चार दिन तक ऐसा रहता है वन वीक तक वो हील नहीं हो रहा है काफी स्लोली हीलिंग हो रहा है उनका तो उनके हीलिंग के दौरान जब समझो कि आपको रूटीनली आपका लंच करना है ब्रेकफास्ट करना है डिनर करना है और उस वक्त समझो कि ये माउथ अल्सर के कारण काफ़ी पेन होता है आपको खाना खाते वक्त तो ये जो जेल होती है वो खाना खाने से थोड़ी देर पहले आप लगा देते हैं तो उसके कारण टेम्पररी जो है वो पेन सेंसेशन कम हो जाती है और आप इजीली जो है आपका खाना खा सकते हैं तो लोकल एनास्थेटिक्स का ये बेनिफिट होता है कि आप आपके रूटीन काम कर सकते हैं आप्टर एप्लाइंग दैम के समझो कि यहाँ पे माउथ अल्सर की ही बात करें तो पेशेंट जो है वो रूटीन काम कर सकता है मतलब कि उसके लंच डिनर ब्रेकफास्ट पे अफेक्ट नहीं होता कि जब वो जहाँ पे माउथ अल्सर हुआ है वहाँ पे इस टाइप के लोकल एनास्थेटिक्स जो जेल आती है क्रीम्स आते हैं वो अप्लाई करने के बाद आप खाना खाते तो आप इजिली खाना खा सकते हैं कि विदाउट एनी टाइप ऑफ पेन सेम लाइक दैट कि समझो कि पेशेंट की डेंटल सर्जरी है और उस वक्त ईजिली जो है उसका डेंटल सर्जरी हो जाए उसके लिए भी उसको कॉन्सियस रख के ही उसकी जो ट्रीटमेंट करते हैं कि स्पेसिफिक एरिया को ही हम यहाँ पे उसका करेंगे एनेस्थेसाइज तो ये है लोकल एनास्थेटिक्स और उनके बेनिफिट्स यहाँ पे कि दे प्रोड्यूस ए एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन विदाउट अ लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस ऑफ ए बॉडी तो द इंजेक्सन सुडेंट बी पेनफुल एंड यूजली टेक्स अबाउट थर्टी मिनट टू बिकम फुल्ली इफेक्टिव थे ये पॉइंट आपको खास याद रखना है कि समझो कि पेशेंट को ये इंजेक्शन दिया है तो मिनिमम थर्टी मिनट्स के अंदर उसकी जो इफेक्ट है वो वहाँ पर देखने को मिलती है और सुड नॉट बी पेनफुल पेनफुल नहीं रहता ये इंजेक्शन कि जब डेंटल सर्जरी के दौरान भी समझो कि आपको ये समझो कि इंजेक्शन दिया है तो शायद आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि इंजेक्शन लगाया गया है तो पेनलेस रहता है यूजली स्टूडेंट बी पेनफुल एंड यूजली टेक्स अबाउट थर्टी मिनट्स टू बिकम फुली इफेक्टिव फुली इफेक्टिव होने के लिए उसके माइनर इफेक्ट्स तो स्टार्ट हो ही जाते हैं बट फुल्ली इफेक्टिव जो है वो होने में एटलीस्ट थर्टी मिनट्स लगते हैं वैन पेरीफेरल नर्व ब्लॉक एंड एपिड्यूरल और स्पाइनल एनास्थेटिक्स आर यूज इन प्लेस ऑफ जनरल एनास्थेटिक्स दे आर ऑफन कंबाइन विथ सेडेशन टू मेक यू फील ड्रॉसी एंड मोर रिलैक्स कीवन जब स्पाइनल कोड रिलेटेड इंजरी होती है हो और वहाँ पर कोई सर्जरी हो तो उस वक्त भी स्पाइनल एनास्थेटिक्स देखे सिर्फ वो पोर्सन ही आपका uh, एनेसरसाइज किया जाता है सेम लाइक दैट डेंटल सर्जरी के अंदर माउथ अल्सर्स तो ये है उसके कुछ बेनिफिट्स अब जानते हैं डिटेल में लिस्ट सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स तो देट आर प्रोकैन है क्लोरप्रोकैन है क्लोरोप्रोकैन है लीडोकैन की के जिसको हम लिग्नोकेन भी कहते हैं लीडोकैन और लिग्नोकैन फिर प्राइलोकैन करके है टेट्राकेन के जिसको एमेथोकेन भी कहा जाता है बुपीवाकेन, रोपीवाकेन, रोपीवा डिबू कैन की जिसको सिंको कैन भी हम कहते हैं बेंजोकेन कैन है ऑक्जीथाजेन एंड बेनोक्सिनेट, उसके अलावा ब्यूटामबेन एंड कोकेन तो ये जो हम जो रह, देख रहे हैं लिस्ट दैट इज लिस्ट ऑफ ए लोकल एनास्थेटिक्स क्लोरकल एनास्थेटिक्स का ये लिस्ट है और ये आर एक्स मेडिकेशंस मेडिकेशन रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ओनली यहाँ पे देखो आर एक्स लेकर कि कैन हाइड्रोक्लोराइड एंड बीटा ट्रेट इंजेक्शन पर द आई पी फिर लिडोकैन के फॉर परसेंट टॉपिकल एनास्टेटिक्स क्रीम अवेलेबल होती है बेंजो कैन के जो जेल काफी पॉपुलर है म्यूको और म्यूकोजल पेन होते हैं माउथ अल्सर्स जैसी कंडीशन होती है तो उस वक्त ये काफी इफेक्टिव साबित होती है तो ये था उसका जनरल कॉमन लिस्ट अब जरूरी है उसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अच्छे से तैयार करना तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले तो आपको याद रखने हैं इंजेक्टेबल लोकल एनास्थेटिक्स और लोकल इंजेक्टेबल लोकल एनास्थेटिक्स में सबसे पहले याद रखिए लो पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की जब फार्माकोलॉजिकली एम सी की पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर तो दे आर लो पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन तो उसका एग्जाम्पल है प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन सेकेंड है इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन कि ज्यादा हाई भी नहीं लो ही नहीं बट देट इज ए मीडियम कि जिसको हम इंटरमीडिएट ड्यूरेशन कहते हैं इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है लिग्नोकेडोकैन और lidocan. और यही पे जो तीसरा जो क्लास है मेडिकेशन uh, है दैट इज प्राइलोकैन तो यहाँ पे समझिए कि लो पोटेंसी मतलब कि जिसकी पोटेंसी जो है वो लो है और जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन है उसके टाइम लिमिट के तो वो है प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन फिर इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन तो वो है लिडोकेन के एंड लिग्नोकेन कि जिसको हम और तीसरा जो एग्जांपल है उसका वो है प्राइलोकेन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उसका मार्केटेड फार्मुलेशन लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड एंड एड्रीनारेन बाइटाट्रेट इंजेक्शन एज पर द आई पी वो आर एक्स रहता है जो उस जो उसका जो वायल थर्टी एम एल स्ट्रेंथ का है और उसके अंदर कॉम्बिनेशन है टू परसेंट वन इन एटीन थाउजेंड की जो उसके डायल्यूशन बने हैं फिर जो नेक्स्ट है दैट इज हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन कि जिनकी पोटेंसी भी अच्छी है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब कि काफी ज्यादा टाइम तक वो अपनी इफेक्ट देते तो ये डेंटिस्ट्री के अंदर काफी पॉपुलर रहते हैं ये हाई पोटेंसी वाले तो ये रहे इंजेक्टेबल तो उसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे टेट्राकेन तो ये वाला जो एम्प्यूल आप देख सकते हैं दैट इज टेट्राकेन वन परसेंट 1% वन परसेंट फॉर्मुलेशन उसके बाद सेकंड दैट इज बोपीवाकेन तो बुपीवाकेन का आप देख सकते हैं जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन एस पर यूएसपी ये बीआरएक्स आर एक्स है और यहां पे जो कंडीशन भी लिखी गई नॉट फॉर कॉर्डल एपिडरल स्पाइनल एनेस्थेसिया फिर जो है बुपीवाकेन के अलावा दैट इज रोपीवाकेन तो रोपीवाकेन के लिए आप देखिए उसका पॉइंट फाइव परसेंट हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन है तो ये अलग अलग उसके एम्प्यूल्स एंड वायल्स आप देख सकते हैं कि जो हाई पोटेंसी, लॉन्ग ड्यूरेशन इसके बाद डिबू कैन है कि जिसको हम सिंको कैन भी कहते हैं तो दे आर हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन इंजेक्टेबल है तो ये सभी इंजेक्शन के फॉर्म में ही अवेलेबल है उनके ऑइंटमेंट या क्रीम ऐसा कोई अवेलेबल नहीं होते दे आर ओनली यूज एज अ इंजेक्टेबल ही सेकंड है जो है सरफेस लोकल एनास्थेटिक जिनको टॉपिकल भी कहा जाता है उनके लिए जो दूसरा जो वर्ड है वो है टॉपिकल की सरफेस या फिर उनको टॉपिकल वर्ड भी दिया गया है टॉपिकल तो टॉपिकल वर्ड इसलिए कि डायरेक्टली ये किसी सरफेस पे ऊपर हम अप्लाई करते हैं कि जो स्किन के जो हमारे सरफेस होते हैं फिर जो म्यूकस हमारा होता है स्किन का वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो तो उसके दो क्लास पड़ते हैं एक तो सॉल्यूबल कि जिसके अंदर कोकेन आता है लिडोकेन, टेट्राकेन एंड बेनोक्जीनेट उसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्पल है वो है इन के अंदर बेंजोकेन है ब्यूटाइल एमाइनो बेंजोएट है कि जिसको ब्यूटाम बेन भी कहते हैं ऑक्जिथाजेन भी उसका एक एग्जाम्पल की जो सरफेस की जिनका दूसरा नाम हमने दिया दे आर टॉपिकल दे आर टॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक की समझो कि आपको को कोई स्किन ऊपर अप्लाई करने हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करना है या फिर आ, किसी भी ऐसी जगह के जहां पे आपको टेम्पररी लोकल एनास्थेटिक इफेक्ट चाहिए तो वो सरफेस पे आप अप्लाई करते हैं किसी भी पार्ट के ऊपर हमारे बॉडी के फिर एग्जांपल देखिए लोकल एनास्थेटिक के, के दो क्लास एक तो एम क्लास के जो लोकल एनास्थेटिक है कि ये एमसी के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि दोनों में से कि एम क्लास के कौन से हैं और एस्टर कौन से है वो एग्जाम के अंदर एम सी क्यू यहां से पूछे जाते हैं एज वेल एज वाइवा के लिए थियरी एग्जाम के लिए कि जब आप फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो ये पॉइंट अच्छे से लिखने पड़ते कि कौन से एम क्लास के हैं कौन से एस्टर तो जो एम है वो है आरटी कैन है बुपीवा केन डिबूकेन इटिडोकैन एंड मैपिवा और प्राइलो कैन तो ये जो एग्जाम्पल है दिज ऑल आर द एमाइड कि जो कौन से क्लास के है एमाइड है कि केमिकली वो एमाइड कंपाउंड है कि सभी के पीछे आप देख सकते हैं कि केन लगता है बट दे ऑल आर द एमाइड कंपाउंड केमिकली फिर जो एस्टर है वो है ब्यूटाकेन कोकेन बेंजोकेन, हेक्सिलकेन पाइप्रोकेन एंड टेट्राकेन तो ये जो है उसके अंदर एस्टर जो है वो मेन केमिकल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे एमाइड जो है उनके अंदर मेन जो है वो केमिकल ग्रुप है तो ये बेसिस पे भी उनका क्लासिफिकेशन पड़ता है कि कौन से एमाइड है और कौन से एस्टर है अब समझना जरूरी है कि लोकल एनास्थेटिक्स के मेकेनिज्म कि किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है और कैसे उनकी हमें लोकल एनास्थेटिक इफेक्ट मिलती है तो यहां पे समझिए कि लोकल एनास्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टाइप के सेंसेशन के लिए कोई भी हमारे बॉडी के रीजन के अंदर तो लोकल एनास्थेटिक्स आर द ड्रग दैट ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन इन द रीज़न व्हेन दे आर एडमिनिस्टर्ड कि जो भी रीज़न पे उनको अप्लाई किए गए हैं तो वो रीज़न के अंदर जो सेंसेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो रिसेप्टर्स होते हैं चैनल्स होती हैं उनको वो ब्लॉक करते हैं और उसमें लोकल एनास्थेटिक्स आर एक्ट बाय रिवर्सिबली ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल ऑफ द नर्व फाइबर तो यहाँ पे हम एक नर्व फाइबर देख रहे हैं कि जो सेंसेशन जो है वो हमारे ब्रेन तक ले जाते कि कोई भी सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो काम करने वाले हमारे जो नर्व फाइबर होते हैं तो उनके अंदर जो ये सोडियम चैनल है उसको ये ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर नर्व फाइबर का एरिया दिया कि ये इंट्रा एरिया है उसका और ये वाला एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया तो जो ये लोकल एनास्थेटिक उनको जब हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं ये जो सोडियम का जो एंट्री होती है उसको जो है वो ब्लॉक करवाते हैं कि ये जो है वो सोडियम चैनल है और यहाँ पे है लोकल एनास्थेटिक रिसेप्टर तो ये सोडियम की जो एंट्री यहाँ पे जो है वो ब्लॉक होती है जिसके कारण इम्पल्स जो है वो आगे जो है वो ट्रांसमिट नहीं होते जिसके कारण इनहिबिटिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस तो मेन तो जो है कि जो सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट होना जरूरी है कि जो सेंसेशन ले जाने वाले जो सेंसेशन ले जाने वाले जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचना जरूरी है कि यहां पे है आपका कोई चलो स्कीन ले लेते हैं एग्जांपल ये है स्किन तो यहाँ के स्कीन ऊपर आपके ये रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट हो गए और ये फाइबर जो है वो पूरा जा रहा है यहाँ पे ब्रेन की ओर तो समझिए कि ये पूरा जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो है एक नर फाइबर और वो ये डायरेक्शन के अंदर जो पेन के जो सिग्नल से वो लेकर जा रहा है कि यहाँ पे समझो कि जो भी पेन हो रहा है वो सिग्नल ये डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं और उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ये सोडियम चैनल एन ए प्लस चैनल अब जब हम किसी पेशेंट को लोकल एनास्थेटिक्स देते हैं तो उनकी इफ़ेक्ट के कारण क्या होता है कि यहाँ पे समझो कि ये जो सोडियम चैनल है वो हम ब्लॉक करते हैं जिसके कारण यहाँ पे जो सिग्नल ये डायरेक्शन में जाते थे वो हो जाएंगे ब्लॉक तो ब्रेन को जो है वो अब किसी भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी नहीं कि यहाँ पे जो सिग्नल थे वो ट्रांसमिट होना बंद हो गए और जिसके कारण यहाँ से ही इंफॉर्मेशन जो है वो चलो यहाँ तक सिग्नल गया बट वहाँ से आगे उसके लिए एंट्री जो है वो कम्प्लीटली बंद है बिकॉज वी हैव ब्लॉक दिस सोडियम चैनल और उसके कारण जो इनहिबिशन हो गया कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस टू द ब्रेन कि ब्रेन की ओर जो नर्व इम्पल्सिस जा रहे थे वो हमने ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके वहां से स्टॉप कर दिया है। जिसके कारण यहां से अब आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं जा रही जिसके कारण यहां पे लिख सकते हैं हम कि नो सेंसेशन देर इज नो सेंसेशन कि पेशेंट को अब सेंसेशन ही नहीं है कि बिकॉज ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन ड्यू टू द रिवर्सिबल ब्लॉकिंग ऑफ द सोडियम चैनल के सोडियम चैनल को जो ब्लॉक कर दिया कि इसकी जरूरत इसीलिए थी कि सोडियम के कारण ही नर्व इम्पल्सिस जो है वो जो ऑर्गन से यहाँ पे ब्रेन तक पहुंचेगी ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर सिग्नल जाते थे बट बीच में ही हमने जो उसका रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया जिसके कारण इन्फॉर्मेशन यहां तक तो गई पर वहां से आगे नहीं गई इसके कारण आपके ब्रेन को कोई सेंसेशन ही नहीं हुआ उसको कोई मैसेज ही नहीं मिले जिसके कारण उसको कोई पता नहीं चला तो यह है मिकेनिज्म बिहाइंड द लोकल एनर्थेटिक्स द लोकल एनर्थेटिक प्रोड्यूस द एनर्थेटिक इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग द इनहिबिटिंग एक्साइटेशन ऑफ नर्व एंडिंग और बाय ब्लॉकिंग कंडक्शन इन पेरीफेरल नर्व कभी जो मैंने प्रीवियस डायग्राम में दिखा बताया आपको उसी तरह से वो एक्साइटेशन जो होता है नर्व एंडिंग्स पे उसको ब्लॉक करता है इनहिबिट करता है एज वेल एज ब्लॉक करता है कंडक्शन ऑफ इंपल्सिस इन पेरीफेरल नर्व दिस इज अचीव बाय द एनेस्थेटिक रिवर्सिबल बांग टू एंड इनएक्टिवेटिंग द सोडियम चैनल सोडियम चैनल को यहाँ पे मेन इनएक्टिवेट होते हैं द ओपन स्टेट ऑफ द सोडियम चैनल इज प्राइमरी टारगेट ऑफ द लोकल एनर्स्थेटिक मॉलिक्यूल क्या आपका ये जो लोकल एनर्थेटिक मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे जो रेड कलर का देख रहे हैं, वो आगे जाके ये सोडियम चैनल को जो है वो इनएक्टिव करता है टेम्पररी ब्लॉक करता है जिसके कारण इम्पल्सिस जो है वो आगे ट्रांसमिट होना बंद हो जाते हैं तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस लोकल एनास्थेटिक्स उनके जो यूज आप समझिए अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ तो सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं और फिर समझते हैं उसको तो स्किन बायोप्सी के अंदर कि जो माइनर प्रोसीजर्स कुछ होती है कि मेजर सर्जरीज नहीं पर जो माइनर प्रोसीजर्स जैसे कि यहाँ पे ये जो स्किन ऊपर बायोप्सी किया गया है उसके अंदर फिर डेंटल प्रोसीजर्स और सर्जरी जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन क्या आपका समझे कि टूथ एक्सट्रैक्शन करना है तो उस वक्त अप्लाई करते हैं एंड दे ऑल्सो अप्लाई टू गेट रिलीफ फ्रॉम माउथ अल्सर ड्यूरिंग द ईटिंग तो माउथ अल्सर समझे कि आपको हुए हैं और टेम्पररी आपको रिलीफ चाहिए उसमें से तो भी हम ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बायोप्सी के दौरान कि जो स्किन के कोई लेयर्स आपको लेने हैं बायोप्सी करनी है स्किन के ऊपर और टूथ एक्सट्रैक्शन करना है या फिर उसके रिलेटेड कोई माइनर सर्जरी है यहाँ पे आपको समझो कि माउथ अल्सर है तो आगे भी हमने आपको समझाया उसी तरह से लंच करना है आपको ब्रेकफास्ट करना है डिनर करना है उस वक्त आपको पेन ना हो इसलिए बेंजोकेन के जो जेल्स कई बार लोग अप्लाई करते हैं एज वेल एज जो लीडो कैन होता है उसके टॉपिकल एनास्थेटिक्स क्रीम भी अप्लाई किया जाए तो टू प्रोड्यूस द टेम्पररी लोकल एनास्थेटिक इफेक्ट और जो टेम्पररी सेंसेशन लॉस होते हैं उसके अगर कारण आप आपका खाना खत्म कर सकते हो और पेन जो है वो आपको कम होता है सेम लाइक दैट टूथ एक्सट्रैक्शन के जब दांत जो है वो निकालना होता है सर्जरी करके माइनर सर्जरी जो होती है उस वक्त आपको कोई सेंसेशन ना हो इसलिए भी वो इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे लोकल एनास्थेटिक का एज वेल एज समझे कि स्किन पे बायोप्सी करने तो वहां पे कई बार ये टॉपिकल भी अप्लाई किए जाते हैं कि जो सरफेस एनास्थेटिक्स जो हमने सीखे तो दीज आर देर कॉन्ट्रा कॉन्ट्राइंडेशन में यही है कि, कि किसी को एलर्जी है एलर्जिक रिएक्शन किसी पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द लोकल एनास्थेटिक्स तो उनके लिए ये इंडिकेटेड हो जाएंगे सेकंड कि इन्फ्लेम और इन्फेक्टेड टिश्यूज अनलाइकली टू हैव इफेक्ट इफ़ यूज लोकली ड्यू टू द लो पीएच ऑफ टिश्यू क्यों ऑलरेडी समझे कि किसी के टिश्यूज डैमेज है इन्फेक्टेड है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उस वक्त भी हम उनको यूज करना अवॉइड करेंगे एंड थर्ड थिंग दैट इज दसन इन पेशेंट विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कि समझो कि फैमिली हिस्ट्री रही है कि लोकल एनास्थेटिक्स देने से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाता है तो ऐसे पेशेंट को भी गलती से भी ये नहीं देना चाहिए इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर आप उसका फैमिली हिस्ट्री चेक करो पेशेंट काउंसलिंग करो प्रॉपर उसकी हिस्ट्री आप चेक करो उसी के बाद ही मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है साइड इफेक्ट्स समझते हैं लोकल एनास्थेटिक के कि लोकल एनास्थेटिक्स के जो साइड इफेक्ट तो यहाँ पे लिखा है कि मे पीपल मे एक्सपीरियंस मतलब कि कुछ लोगों को उसके होते हैं कुछ लोगों को नहीं भी होते तो इसलिए वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया कि पीपल मे एक्सपीरियंस टेम्पररी साइड इफेक्ट्स फ्रॉम लोकल एनास्थेटिक्स सच एस डिजीनेस कि यहाँ पे जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट को जो है वो डिजीनेस जैसा फील हो सकता है उसकी जो स्पीच है वो स्लर हो सकती है स्लर स्पीच की जो हम बात करते हैं हेडेक हो सकता है माइनर ब्लर विजन हो सकती है ट्विंचिंग uh, मसल्स जैसा हो सकता है एंड एंड कंटिन्यूस नंबनेस, वीकनेस और पींस एंड नीडल्स कि जैसे कोई पींस और नीडल्स टच हो रही हो ऐसा आपको लगे साइड इफेक्ट के तौर पे वीकनेस जैसा लगे एंड कंटिन्यूस नंबनेस भी कई बार होती है बट ये टेम्पररी होती है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते टेम्पररी कुछ समय के लिए ही आपको ऐसा फील होता है और फिर उसकी इफेक्ट जैसे कम हो जाती है एनास्थेटिक्स की ये जो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली जो है वो डिस हो जाते हैं ऑफ ए साइड इफेक्ट तो ये है लोकल एनास्थेटिक्स इफेक्ट डिजीनेस स्लर स्पीच मतलब कि बोलने में थोड़ी दिक्कत होना हेडेक हो सकता है ब्लर विजन ट्विंचिंग मसल्स एंड कंटिन्यूस नमनेस वीकनेस और पेन्स एंड नीडल्स सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स जरूर से वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट करिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से सब्सक्राइब करिए चैनल एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट